उससे भागती हूँ और छुपती फिरती हूँ। थोड़ी देर में मंजर बदल गया, मैंने देखा कि मैं तैयार श्यार होकर कहीं बाहर जा रही हूँ और रोड के ऊपर बगैर जूती के आ जाती हूँ, और कॉर्नर तक पहुँच के मुझे ख्याल आता है मुझे वापस जाना चाहिए और जूती पहन लेनी चाहिए। फिर मैंने ख्वाब में देखा कि ज़मीन में जैसे कोई बच्ची उग रही है, उसकी उंगलियाँ नज़र आ रही हैं ऊपर, जैसे कोई पौधा उगता है और फिर हम उसको मिट्टी से निकालते हैं तो वो एक छोटी सी 5-6 साल की बच्ची बन जाती है और खुद ही कहती है मुझे नहलाओ, और मैं हैरान होती हूँ कि अभी पैदा ही हुई है और खुद से कह रही है मुझे नहला दो। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छा ख्वाब देखा है, इसका मतलब दुश्मन आपके नाकाम और मगलूब होंगे और आपको जो है नेकी और तकवा मिलेगा। जूते के बगैर इस तरीके से देखना, इंशाल्लाह आपको विलायत और माफ़रत नसीब होगी, तकवा नसीब होगा। लिहाजा आप जो है ज़ौक इबादत पैदा करें, तिलावत का अहतमाम करें, जिक्र अजकार में लगें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा पहुँचेगा। इसी तरीके से फिर बच्ची को देखना और बच्ची का इस तरीके से कहना, इसका मतलब है आप जो है वो सच्ची तौबा कर लें, खलवत और जलवत के जो भी गुनाह हैं उनसे आपको तौबा नसीब हो जाएगी। उसल का मतलब तौबा होता है, वो आपको नसीब होगा और आपको इंशाल्लाह एक नई ज़िंदगी नसीब होगी और वो रूहानी और ईमानी ज़िंदगी। इस ज़ौक़ इबादत की तवज्जो करें, आपको फ़ायदा पहुँचेगा।